हेलो हेलो गाइस, मैं फिर से आ चुका हूँ एक और नया वाला वीडियो लेकर। गाइस, इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ फ्री फायर का बेस्ट फायर बटन साइज कौन सी होने वाली है। वही मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ। 1 GB से पीसी तक, पीसी का कुछ फायर बटन होता नहीं, 1 GB से 12 GB रैम तक। हाइट वाइज में मैं बताने वाला हूँ फायर बटन साइज कैसे रखनी चाहिए आप लोगों को। तो फायर बटन का साइज बहुत इंपॉर्टेंट है आप फ्री फायर में। आप लोगों को अगर हेडशॉट मारना चाहते हो तो पहले आप लोगों का फायर बटन साइज सबसे अच्छा सबसे बढ़िया करना पड़ेगा, फिर ही आप लोग हेडशॉट मार सकोगे, है ना। तो फायर बटन साइज आप लोगों का अगर सही होता है तो अगर आप मतलब राइस्टर से भी अच्छा हेडशॉट मार पाओगे। मतलब इस वीडियो का अगर आप लोग 2 से 3 मिनट फुल वॉच कर लेते हो तो आप लोग परफेक्टली फायर बटन साइज का पता चल जाएगा। फुल एक्सप्लेन करूँगा मैं इस वीडियो पर और आप लोग बहुत अच्छे तरीके से हेडशॉट मार पाओगे। तो वीडियो को एंड तक जरूर से वॉच करना और चैनल पर नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना, है ना। और 1 GB जो जिस वाले मोबाइल से अच्छा टच वॉच नहीं लेता उस वाले मोबाइल से भी कैसे हेडशॉट मारते हैं वो भी मैं आप लोगों को इसी वीडियो में बताने वाला हूँ, तो है ना। तो वीडियो को जरूर से एंड तक वॉच करना। मैं बहुत सारे वीडियो बना चुका हूँ सेंसिटिविटी और बेस्ट कस्टमर चीट के ऊपर, वो भी वीडियो आप लोग जाके देख सकते हो चैनल पर चेकआउट करके। तो इस वीडियो में मैं बताने वाला हूँ परफेक्ट फायर बटन साइज और मैं सब 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 डिवाइस में बताने वाला हूँ कि कौन सा परफेक्ट फायर बटन साइज रखना चाहिए। मैं तीन ही फायर बटन साइज दिखाने वाला हूँ। अगर उस तीनों में से आप लोग किसी भी एक से आप लोगों का बहुत अच्छी तरीके से प्रैक्टिस हो जाता है तो आप लोग बहुत अच्छा तरीके से हेडशॉट मार पाओगे, है ना। तो चलते हैं गाइस फायर बटन के साइज की तरफ। और जाने से पहले वीडियो को लाइक करो और चैनल को गाइस सब्सक्राइब करो, हमारा जल्दी जल्दी कंप्लीट कर पा दो सब्सक्राइबर। और जो लोग वीडियो पर क्लिक किए वीडियो को एंड तक जरूर से वॉच करना, है ना। तो क्योंकि एंड तक वॉच करोगे तभी हमारा फायदा है। तो चलते हैं गाइस फायर बटन साइज की तरफ। सो गाइस, आ चुके हैं हम फायर बटन साइज की तरफ। अगर आप लोग का डिवाइस 1 GB से 3 GB रैम तक है तो आप लोग ये वाला जो स्क्रीन पे फायर बटन साइज देख पा रहे हो ये फायर बटन साइज आप लोग रख सकते हो। 40 से 50 तक अगर आप लोग रख सकते हो। मतलब फायर बटन का साइज का क्या काम है, आप लोग मतलब आपके उंगली के हिसाब से ही फायर बटन साइज रखना। अगर आप लोगों का मोबाइल में टच प्रॉब्लम है मैं बाद में बताता हूँ। अगर आप लोगों का 1 GB से 4 GB रैम तक मतलब 3 GB रैम तक डिवाइस है तो आप लोग ए वाला फायर बटन रख के बहुत ओपी तरीके से हेडशॉट मार सकोगे। 1 GB से 3 GB रैम तक ही एक वर्क करेगा, है ना। तो ए फायर बटन साइज आप लोग को और भी डिवाइस में रख सकते हो। ए फायर बटन साइज बहुत ही ओपी फायर बटन साइज है और लेफ्ट फायर बटन का कुछ काम नहीं। और ए वाला जो फायर बटन साइज है ए फायर बटन साइज आप लोग 50 से 60 तक भी रख सकते हो या फिर 40 से 50 तक रख सकते हो। 1 GB से जो लोग 3 GB रैम तक मोबाइल में गेम प्ले करता है, है ना, तो आप लोग यही रख सकते हो। सो आप चलते हैं जिन लोगों का फ़ोन में टच प्रॉब्लम है, टच अच्छी तरीके से नहीं लेता उस बार उन लोग क्या फायर बटन साइज रखे, उसी तरफ आप चलते हैं। तो वीडियो को लाइक करना। तो जिन लोगों का फ़ोन में टच प्रॉब्लम है वो लोग 61 से 70 तक फायर बटन साइज रख सकते हो। एंड गाइस, अभी मैं बताने वाला हूँ जो लोग हाई डिवाइस में खेलते हैं वो फायर बटन साइज कितना रखे। जो लोग हाई डिवाइस में खेलते हैं उन लोगों का फ़ोन में कोई टच प्रॉब्लम नहीं होता तो वो लोग फायर बटन साइज रख सकते हैं। मतलब फायर बटन का साइज रख सकते हैं 40 तक फायर बटन साइज रख सकते हैं, क्योंकि 40 पर जो लोगों का हाई डिवाइस है, जो लोग आईफोन 12 GB रैम 8 GB रैम तक खेलता है वो लोग फायर बटन साइज रख सकते हैं। मतलब 40 तक फायर बटन साइज रख सकते हैं। अगर आप लोग फायर बटन साइज 100 कर लेते हो तो आप लोगों का हेडशॉट बिल्कुल भी नहीं लगेगा। अगर आप लोग फायर बटन के साइज को नीचे की तरफ कर दोगे तो आप लोगों का हेडशॉट लगेगा, इससे मतलब बहुत ही कम लगेगा। तो फायर बटन साइज को हमेशा मेरा रिकमेंड मानो तो 40 से 50 तक रखना फायर बटन का साइज। मैं तो हमेशा 50 फायर बटन साइज रखता हूँ, 50 पे मेरा बहुत ज़्यादा ओपी हेडशॉट लगता है। तो यही फायर बटन साइज आप लोग यही फायर बटन साइज रख सकते हो अपने गेम प्ले के लिए, क्योंकि मैंने जो जो फायर बटन साइज दिया है आप लोगों को ये फायर बटन साइज अगर आप लोग रखते हो 100% आप लोगों का हेडशॉट लगना स्टार्ट हो जाएगा। और फायर बटन साइज आप लोगों को अगर अच्छे लगे तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को गाइस सब्सक्राइब करना, जल्दी जल्दी 1000 सब्सक्राइब कंप्लीट कर दो। और थैंक्स फॉर लास्ट तक वॉच करने के लिए, क्योंकि आप लोग लास्ट तक वॉच करोगे तभी आप लोग ये समझ पाओगे। तो लास्ट तक वॉच किए हो तो आप लोग शायद समझ चुके होगे कि फायर बटन साइज कितना रखना चाहिए। फायर बटन साइज आप लोग अपने उंगली के हिसाब से भी रख सकते हो। तो
आप लोग का हिसाब से भी रख सकते हो फायर बटन साइज, मगर मैंने जो फायर बटन साइज बोला है वो रख दो तो आप लोग का हेडशॉट लगना बिल्कुल भी चालू हो जाएगा। और फायर बटन का साइज आप लोग अपने उंगली के हिसाब से भी रख सकते हो, जितना बड़ा आपका उंगली उतना बड़ा भी फायर बटन साइज रख सकते हो, जितना छोटा आपका उंगली उतना छोटा भी आप लोग फायर बटन साइज रख सकते हो। तो यही था आज का वीडियो, चलते गाइस, बाय बाय।